बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ दिया है। अब आप ये देखिए कि चौंकाने वाला मामला है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार अब अपने जो नेता हैं, जो बड़े पद पर हैं, उन्हें भी खोती जा रही है। भगदड़ लगातार कांग्रेस में मची हुई है। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए अब वे कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने चौंका दिया है एक बड़ा निर्णय कांग्रेस को छोड़ने का। तो आप देखेंगे कि लगातार मध्य प्रदेश में भी इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, जब कांग्रेस छोड़ कांग्रेस के नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहां दूसरी तरफ मुंबई में, महाराष्ट्र में एक ये बड़ा बदलाव, जब पूर्व सीएम अशोक ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। नांदेड़ से एमएलए हैं अशोक चव्हाण और पूर्व सीएम भी रह चुके हैं अशोक चव्हाण। और अब आप ये देखिए कि ये कांग्रेस को एक बड़ा झटका फिर से, और संवाददाता अमित जुड़ गया। अमित, ये बड़ी जानकारी कि पूर्व सीएम अशोक ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। देखिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि पूर्व सीएम रह चुके हैं यहाँ पर, और इनका जो है पाला बदलना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो है बहुत बड़ी खबर है ये। कांग्रेस नेता चव्हाण ने आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की थी। हालांकि मुलाकात का कारण जो है राहुल नार्वेकर को जन्मदिन की बधाई देना बताया जा रहा था, लेकिन वही चव्हाण की विधानसभा से इस्तीफा देने की खबरें सामने आ रही थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल जो है हो सकते हैं। अभी देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हमने उनसे पूछा कि क्या ऐसी खबरें जो है आ रही है। उनका कहना था कि बहुत से लोग आ सकते हैं, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। और अभी हमारे पास एक लेटर की कॉपी भी आ गई, इसमें उन्होंने महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले को अपने सभी पदों से इस्तीफा सौंपा है, और उसके ऊपर लिखा गया है माजी विधानसभा सदस्य, यानी पूर्व विधानसभा सदस्य, यानी उन्होंने अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़ी खबर है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। अभी दो दिन पहले जो पूर्व मंत्री थे बाबा सिद्दीकी, जिनके बेटे निशांत सिद्दीकी जो है बांद्रा ईस्ट से विधायक भी हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर। जी बिल्कुल अमित, और देखिए चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस का दामन तो छोड़ा, साथ ही अपने पद से भी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अगली बड़ी खबर करूं, जबलपुर में चाचा ने भतीजे को मारी गोली, संपत्ति विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली मारी।